अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मीशो से चिकनकारी कुर्ता सेट्स। आई होप कि आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो ये कुर्ता सेट है ये है सी ग्रीन शेड में, अराउंड अंडर 700 रुपीज़ में मुझे ये मिला है। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें बॉटम मिल जाता है वाइट में। तो ये देखिए प्लाजो इसमें दिया गया है वाइट फैब्रिक में, खादी कॉटन इसका फैब्रिक है। तो पहले इसका लुक देख लीजिए आप। इसके बॉर्डर पे यहाँ पर चिकनकारी का थोड़ा वर्क दिया गया है, ये देखें। और ये इसे ओपन करके दिखाती हूँ। वेस्ट में इलास्टिक दी गई है, साथ में इसमें पॉकेट्स मिल जाते हैं और टाइट बिल्कुल नहीं होगा आपको थाइज पे। ओवरऑल लुक वाइज काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में ये मिल जाता है आपको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें इसका कुर्ता जो है सी ग्रीन शेड में इसमें दिया गया है। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूं आपको। ये देखें, ये है इसका कुर्ता। कुर्ता काफ़ी ज़्यादा प्यारा आया है। यहाँ से इसका राउंड नेक मिल जाता है और ये देखें नेक के ऊपर वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी वर्क की गई है। ये देखें काफ़ी खूबसूरत सा जो है ये पीस लगा मुझे। और इसका जो कुर्ता है गाइस वो है प्योर कॉटन नहीं है, कुछ मिक्स टाइप सा इसका फैब्रिक है, काफ़ी हल्का सा फैब्रिक है। तो इसमें मतलब समर्स में गर्मी नहीं लगने वाली। बाकी आप इसका दामन देखें, इसमें जो है फ्लावर्स की डिटेलिंग की गई है। सी ग्रीन शेड में है तो काफ़ी प्यारा लगता है वेयर करके। बाकी आपको ट्राई ऑन में इसका लुक पता चल जाएगा। बैक साइड से जो है ये प्लेन मिल जाता है। स्ट्रेट फिट की ये कुर्ती है और जो है इसमें स्लिट्स भी प्रोवाइडेड हैं, आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं। ये देखें इसके स्लीव जो है इसमें फुल मिल जाते हैं। और ये देखें स्लीव पे कोई वर्क वगैरह नहीं किया गया है क्योंकि इसके फ्रंट पार्ट पे ही काफ़ी काम किया गया है। तो ये है फर्स्ट कुर्ता सेट जो कि आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है अगर आप कुछ लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में। इसके बाद आप देखें सेकंड जो कुर्ता सेट है ये थोड़ा सा कॉस्टली है। 900 रुपीज़ में मुझे ये मिला है, 900 समथिंग में। तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, सबसे पहले जो है इसके बॉटम में वाइट कलर का जो है ये प्लाजो दिया गया है। इसके बॉर्डर पर मिल जाता है यहाँ पर चिकनकारी के वर्क के साथ साथ ये मिरर वर्क की डिटेलिंग की गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत सा इसका जो है प्लाजो है। वेस्ट में इसमें इलास्टिक दी गई है और ये देखें ये काफ़ी स्ट्रेचेबल जो है वो है प्लाजो, तो आपको कंफर्टेबल लगेगा वेयर करने में। प्लाजो इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका कुर्ता। तो ये देखें ये है कुर्ता इसका। इसके साथ इनर मिल जाती है क्योंकि इसका जो शर्ट है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए इनर लगेगी। ये जो है पैरेट कलर में जो है ये मिल जाता है। और ये देखें इसका जो इनर है ये दिया गया है कॉटन में, इसका इनर मिल जाता है। इनर की क्वालिटी ठीक है। बाकी अब इसका शर्ट देखते हैं, कुर्ता जो है इसका। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये है इसका कुर्ता। इसका जो है राउंड नेक मिल जाता है और देख सकते हैं इस पर जो वर्क है वही सेम मिरर वर्क की डिटेलिंग की गई है और चिकनकारी का वर्क है। लेकिन इसका जो मिरर वर्क है वो मिरर जो है वो निकल जाते हैं, तो क्वालिटी वाइज ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और जॉर्जेट फैब्रिक का है और बहुत ही ज़्यादा हल्का है। इसके मुकाबले में अगर इसके प्लाजो की बात की जाए तो प्लाजो पे जो मिरर वर्क था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वो इतना ज़्यादा गिरने वाला नहीं था। लेकिन इसके जो मिरर्स हैं वो गिर जाते हैं, तो बाकी आपकी खुद की चॉइस है। ये देखें इसके स्लीव जो है इसमें फुल मिल जाते हैं और स्लीव्स के बॉर्डर पे देख सकते हैं यहाँ पर भी मिरर वर्क की डिटेलिंग की गई है। ये देखें, तो ये था सेकंड कुर्ता सेट। अगर आपको पसंद आए तो चेकआउट ज़रूर करना। बाकी अगर क्वालिटी वाइज की बात की जाए तो फर्स्ट वन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वन। इसके बाद आते हैं थर्ड पीस पर। ये तो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिला है, 500 समथिंग में मिला है मुझे ये।
वाइट शलवार के साथ ये कुर्ता सेट मिल जाता है। सबसे पहले आप इसका शलवार देखें, ये है वाइट फैब्रिक में और कॉटन का फैब्रिक इसमें दिया गया है, काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। और इसके बॉर्डर पे देख सकते हैं ये चिकनकारी का वर्क किया गया है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसमें काफ़ी लूज सी शलवार है, ये देखें, ये है इसका फ्रंट साइड, ये इसका रहा लुक और ये रहा इसका चिकनकारी वर्क। और अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्राइस रेंज के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद आप देखें इसका कुर्ता, कुर्ता जो है कॉटन फैब्रिक में दिया गया है, डार्क ब्लू शेड में जो है ये कुर्ता मिल जाता है। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको, ये देखें इसका कुर्ता, कुर्ता जो है इसका राउंड नेक है और साथ में ये देखें फ्रंट में इसके नेक पर जो है चिकनकारी वर्क किया गया है। और ये देखें इसका दामन में भी पूरे ही जो है चिकनकारी के वर्क से डिटेलिंग की गई है। कॉटन फैब्रिक में जो है इसका जो है कुर्ता मिल जाता है, बैक साइड से देख सकते हैं ये प्लेन मिल जाता है, थोड़ा सा आपको ट्रांसपेरेंट में भी लग सकता है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसका डार्क ब्लू शेड है तो उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा फील आता है कि इसमें से ट्रांसपेरेंट लगेगा। स्लीव्स इसके 3/4 मिल जाते हैं, प्लेन इसके स्लीव्स आ जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कीप सपोर्टिंग बाय लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।